नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम जान रहे थे कि कल हमने जाना था कि किस तरह से टेक्स्ट एडिटर पे काम करते हैं, तो आज हम वही कंटिन्यू करेंगे और टेक्स्ट एडिटर पे एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करते हैं, किस तरह से और जो विंडो ओपन होती है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, उनको हम देखेंगे, राइट? तो जैसा कि अभी तक हमने देखा कि कोई भी हमें मान लीजिए कोई फाइल बनानी है, कोई लेटर हमें टाइप करना है, तो हम कीबोर्ड की सहायता लेंगे और नोटपैड में एक फाइल ओपन करेंगे और उसमें हम टाइपिंग करेंगे। अब टाइपिंग पर आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी, आपको पता है इसमें जितने भी आपके लेटर्स हैं A to Z सभी के लिए कुंजी है, 0 to 9 सभी नंबर्स के लिए कुंजी है, आप उन कुंजी को प्रेस करके अपना जो टेक्स्ट है वो टाइप कर सकते हैं। बाकी कुछ कीज हैं, जैसे आपने देखा Backspace, राइट? इसमें क्या है कि आपका कर्सर, जैसे कि ये टेक्स्ट एरिया है मान लीजिए, और यहां पर ये आपको एक बार जो है वो ब्लिंक करती हुई नजर आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है कर्सर। आप माउस को जब हिलाएंगे, माउस को हिलाते हैं तो आपको एरो दिखाई देता है, और जब आप इस टेक्स्ट एरिया पर क्लिक कर देते हैं तो क्या आ जाता है, कर्सर ब्लिंक करता रहता है, यानी कि यहां पर आप टाइपिंग कर सकते हैं, यह टेक्स्ट एरिया है। बाकी अगर आप मेन्यूज पर जाते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, तब आपको एरो ही दिखाई देता है, एरो पॉइंटर, और जिससे आप चीजों का चुनाव करते हैं। जैसे फाइल मेन्यू पर आप एरो लेकर गए और माउस को लेके गए, आपने क्लिक किया और वहां क्लिक करके आप जो कमांड्स हैं फाइल मेन्यू के अंतर्गत उनको देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बैकस्पेस जो की है आप देखेंगे उसमें बैकस्पेस लिखा रहता है और एक एरो बना रहता है, तो इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए आपका टेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है, अब बैकस्पेस यहां पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आप बैकस्पेस कुंजी दबाएंगे तो ये जो पीछे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है बैक, यानी कि पीछे, वो टेक्स्ट आपका एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिलीट होगा। इसी तरह से अगर हम डिलीट कुंजी दबाते हैं, बैकस्पेस दबाने से ही होता है, एक हमारी कुंजी होती है DEL, डिलीट कुंजी। डिलीट कुंजी से क्या होगा, जहां आपका कर्सर है वहां पर जब आप डिलीट कुंजी दबाएंगे तो आगे के जो कैरेक्टर्स हैं वो डिलीट होंगे, राइट? डिलीट से आगे के कैरेक्टर्स डिलीट होंगे। इसी तरह से आपने देखा कि एक नीचे की तरफ लंबी पतली एक बार है, ये क्या है, ये है हमारे कीबोर्ड की स्पेस बार। स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो क्या आएगी, स्पेस, जब आपको स्पेस देनी है तो स्पेस आप दे सकते हैं। अब अगर आपको स्मॉल केस में लिखना है, कैपिटल में लिखना है, ये मैंने आपको कल बताया था कि जब आप स्मॉल केस में लिखना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब आप कोई भी की प्रेस करेंगे स्मॉल केस में ही लेटर आएगा, लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए आपको कैपिटल में लिखना है, आप क्या करेंगे, एक तो हमारे पास कैप्स लॉक की कुंजी है, इस कुंजी को आप क्लिक करेंगे, ये ऑन ऑफ होती है, आप देखेंगे कि जब आप इसको इस पे आप प्रेस करेंगे, इस कैप्स लॉक कुंजी को दबाएंगे तो आपकी जो कीबोर्ड है उसमें एक लाइट आपको जलती हुई नजर आ जाएगी, यानी कि कैप्स लॉक आपने ऑन कर दिया। कैप्स लॉक ऑन करके जब आप टाइपिंग करेंगे तो क्या होगा, तब सभी कुछ कैपिटल में आएगा, राइट? कैप्स लॉक आप ऑन करेंगे और फिर टाइपिंग करेंगे तो सब कुछ कैपिटल में लिखा हुआ आएगा, कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे तो सारा लोअर केस में आएगा। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट कुंजी दबा के टाइपिंग करें तब भी कैपिटल में आता है, अगर कैप्स लॉक ऑन है तब स्मॉल में आएगा, लेकिन अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो शिफ्ट कुंजी दबाकर लिखने पर भी हम कैपिटल में लिख सकते हैं, राइट? और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जैसे आपको स्टार लिखना है, प्लस का चिन्ह लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाना है, या आपको स्लैश लगाना है, या डॉट लगानी है, या अपोस्ट्रोफी लगानी है, कोट्स लगाने हैं,
तो ये सब जो है ये आप देखेंगे कि आपके कीबोर्ड जो है उसी में ये सारे भी अवेलेबल हैं। तो शिफ्ट के सब साथ जब आप कुंजी दबाते हैं, जैसे ये मान लीजिए सात नंबर सेवन की जो की है ऊपर, जो वन से लेकर नाइन और फिर जीरो की कीज होती हैं हमारे कीबोर्ड में, उसके ऊपर भी कुछ कैरेक्टर्स लिखे रहते हैं, जैसे परसेंट का साइन, एम्परसेंट का साइन, स्टार साइन। तो ये साइंस अगर हमें चाहिए हो तो भी हम शिफ्ट कुंजी दबाकर काम करेंगे तो ये ऊपर के जो साइंस है वो लिख पाएंगे हम, राइट? तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, फिर आप इजीली कोई भी किसी भी तरह की चीज टाइप कर सकते हैं। कोई भी फाइल आपको क्रिएट करनी है, कोई लेटर या एप्लीकेशन लिखनी है तो वो आप लिख पाएंगे, राइट? तो चलिए अब हम नोटपैड ओपन करते हैं और अपनी फाइल ओपन करके देखते हैं कि क्या क्या हमने इसमें सीख लिया है। सेव करना हमने जान लिया है और इन फीचर्स को दोहराते हैं और आगे के फीचर्स जो हैं उनको जानते हैं। तो यहां पर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है, राइट? अगर हमें कंप्यूटर की मेमोरी और उसमें भंडारित डेटा को देखना है तो हम क्लिक पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटर पे। माय कंप्यूटर की विंडो खुल गई। अब यहां से हम देख पाएंगे अलग अलग ड्राइव्स जो हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल हैं, और फिर इन ड्राइव्स को हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो इनके अंदर जो फोल्डर्स बने हुए हैं वो हमें नजर आ जाएंगे। और अब इस फोल्डर पे मैंने क्लिक किया कंप्यूटर क्लास, तो ओपन करने पर क्या हुआ, इसके अंदर जो सब फोल्डर्स और फाइल्स थे वो भी हमें दिख गए। किसी भी चीज पर राइट क्लिक करके आप शॉर्टकट मेन्यू प्राप्त करेंगे। शॉर्टकट मेन्यू में से आपको जहां पर आपने क्लिक किया है उससे संबंधित कमांड्स मिलेंगे। जैसे हमने फाइल पर क्लिक किया, राइट, और शॉर्टकट मेन्यू में ऑप्शंस आ रहे हैं ओपन, फाइल को ओपन करने के लिए, प्रिंट, एडिट, फाइल को प्रिंट या एडिट करने के लिए, ओपन विथ में आप बता सकते हैं कि इस फाइल को हम किसी और एप्लीकेशन में ओपन करना चाहते हैं, तो कौन सी एप्लीकेशन है जिसमें हम ओपन करना चाहते हैं वो हम बता सकते हैं ओपन विथ में। इसके अलावा फाइल को कट कॉपी पेस्ट करके कहीं और ट्रांसफर करना हो तो वो चीजें भी आप कर सकते हैं, राइट? और फाइल से संबंधित प्रॉपर्टीज देखनी हो कि फाइल का नाम क्या है, फाइल किस तरह की है, इसका एक्सटेंशन क्या है, ये फाइल किसने बनाई है, कब बनाई है, सारी प्रॉपर्टीज देखनी हो तो शॉर्टकट मेन्यू में सबसे नीचे आ रहा है प्रॉपर्टीज, इस पे हमने क्लिक किया। ये देखिए हमारी फाइल की प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और यहां से हम देख सकते हैं हमारी फाइल का साइज क्या है, भाई जो हमारी फाइल है उसने मेमोरी में कितनी जगह ले रखी है ये हम बता सकते हैं। कब ये फाइल क्रिएट हुई थी ये भी यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, कब मॉडिफाई की गई थी, लास्ट कब एक्सेस की गई थी, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड पॉइंट्स भी इसमें आ रहे हैं कि कौन इसको एक्सेस कर सकता है, किस इस फाइल पर किसको परमिशंस हैं और किसको नहीं है, ये सारी चीजें हम प्रॉपर्टीज के अंदर देख सकते हैं। तो फिलहाल हम डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। ये देखिए नोटपैड की हमारी ये फाइल ओपन हो गई, तो यहां से भी हम ओपन कर सकते हैं। बाकी दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि नोटपैड ओपन करें और फिर उसमें हम क्या करें, फाइल ओपन, ओपन पे क्लिक करते ही क्या करते हैं ये ओपन कमांड, ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहां से आप अपनी फाइल को चुनकर उसे ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से यहां से फाइल चुनेंगे और ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। तो ये फाइल मेन्यू से संबंधित जो कमांड्स हैं ये कल हमने देखे थे, जाने थे। एक और चीज हमने जानी थी, सेव और सेव एज में क्या अंतर है, इसको रिपीट कर देते हैं एक बार। जनरली लोगों से पूछते हैं कि सेव और सेव एज में क्या अंतर है, ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, इसे जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि सेव और सेव एज में केवल यही अंतर है कि जब आप पहली बार सेव करते हैं फाइल को, जब वो अनटाइटल्ड है, सेव नहीं है मेमोरी में, और फिर जब आप सेव पे क्लिक करें तब भी आपके पास सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा। यानी कि फर्स्ट टाइम जब फाइल सेव नहीं है, आप सेव करें या सेव एज करें दोनों सेम है, लेकिन जब आपकी फाइल एक नाम के साथ सेव हो चुकी है तब अगर आप उसमें जो चेंजेस कर रहे हैं केवल उनको सेव करना है तो आप क्लिक करेंगे सेव,
तब आप कौन सा कमांड चुनेंगे? सेव। लेकिन फाइल सेव है और फिर आपने चुना सेव एज, तो इसका तात्पर्य ये होगा कि आप फाइल को दूसरा नाम या दूसरी लोकेशन देकर सेव करना चाहते हैं, राइट? तो ये चीजें हमने देख ली थी। चलिए अब हम करते हैं थोड़ी सी एडिटिंग। एडिटिंग का क्या अर्थ है बच्चों? एडिटिंग का अर्थ होता है काट झाट करना। चलिए थोड़ा सा इसको बोर्ड पे समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। एडिटिंग, एडिटिंग का क्या अर्थ होता है? कोई फाइल बना ली, अब अगर मैन्युअली हमें एडिटिंग करनी होती है तो हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जब हमने कंप्यूटर में फाइल बना रखी है तो एडिटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। अब एडिटिंग में तीन चीजें आपको जानना, मेनली चार चीजें। सबसे पहले है सेलेक्ट, उसके बाद है कट, और फिर है कॉपी, और एक है पेस्ट। ये चार चीजों को जानना बहुत जरूरी है एडिटिंग करने से पहले। सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना होता है? जिस भी चीज पर हमें एडिटिंग करनी है वो हमें सेलेक्ट करनी होती है। तो एक चीज हम उदाहरण लें पहले कि मान लीजिए हम पेपर पे कोई काम करते हैं, मान लीजिए हम एक लेटर ही बना रहे हैं, जैसे यहां हमने एक एप्लीकेशन बना रखी है, हम कागज पर एक एप्लीकेशन लिखते हैं। अब मान लीजिए उसमें कुछ गलती हो गई हमसे, हमने लिख लिया, अब हमसे कुछ गलती हो गई तो हम क्या करेंगे? अगर हमने पेंसिल से लिखा है तो हम रब करके दोबारा से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने पेन से लिख दिया तो क्या आप उसे रब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आजकल काफी चीजें चल गई हैं जिससे पेन का जो लिखा है उसको आप वाइटनर से ढक देंगे और फिर आप उसके ऊपर कुछ लिख देंगे, तो इस तरह की चीज आप कर सकते हैं। बेसिकली ये सब चीजों को ही कहा जाता है एडिटिंग, कि काट झाट करना, चीजों को सही करना, उसमें कुछ गलतियां हैं उनको आप सही कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, कोई चीज इसमें नई जोड़ रहे हैं, राइट? तो अब मान लीजिए आपने अपना जो फाइल बनाई है उसमें आपने तीन जगह लिख दिया मैडम मैडम मैडम, अब आपको लगता है कि नहीं नहीं यहाँ तो सर लिखना था, तो आप क्या करेंगे? तीनों जगह आपको करेक्शन करना पड़ेगा। जबकि अगर यही चीज आपको कंप्यूटर में करनी पड़े तो ये बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर में कोई भी चीज है उसको आप डिलीट कर सकते हो, राइट? और उसकी जगह नया शब्द लिखना है या कुछ भी लिखना है, बहुत आसान है कंप्यूटर में एडिटिंग करना। इसलिए अगर आप कागज पे काम करते हो तो गलती हो गई तो आपको दोबारा से सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर पे यही है कि एडिटिंग बहुत आसान है। आप कर्सर को उस जगह पे प्लेस करिए जहां पर आपको एडिटिंग करनी है, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए जिस टेक्स्ट पर आपको काट झाट करनी है, और फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं। और दूसरी चीज आती है कि जैसे मान लीजिए आपने यहां पर कोई लाइन लिखी, वही सेम लाइन आपको नीचे भी लिखनी है, तो आप क्या करते हैं? कागज पे आपको दोबारा ही लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर पे जब आप फाइल बना रहे हैं आप क्या कर सकते हैं? ऊपर वाली लाइन जो आपको लगता है नीचे भी लिखनी है या ऊपर आपने कुछ चीज लिखी हुई है, वही सेम चीज आपको नीचे भी चाहिए, तो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी करके जिस जगह पे आपको चाहिए वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कोई लाइन आपको नहीं चाहिए तो आप उसे कट कर सकते हैं, और कट करने के बाद आप कहीं पर भी उसको पेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो जो आपका टेक्स्ट है उसी में आपको कुछ चीजें ऊपर नीचे करनी है, कट कॉपी करनी है, तो बहुत आसानी से आप वह चीज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम सेलेक्ट की बात करते हैं, तो टेक्स्ट का मतलब है, सेलेक्ट का मतलब है टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, क्योंकि आप उस टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं सेलेक्ट करके? आप उसको डिलीट कर सकते हैं, आप उसको कट कर सकते हैं, आप उसको कॉपी कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके। तो अगर इनमें से कोई भी कार्य आपको करना है, मान लीजिए कोई टेक्स्ट है जो आपको नहीं चाहिए, तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं या आप उसे कट कर सकते हैं। कट हम जनरली कब करते हैं? क्योंकि कट करने का अर्थ है कि हम पेस्ट करना चाहते हैं उस चीज को,
कोई टेक्स्ट मैंने ऊपर लिखा है, ऊपर नहीं नीचे चाहिए, तो उसको वहां से कट करके पेस्ट कर सकते हैं। अगर ऊपर भी चाहिए, नीचे भी चाहिए, और भी कई जगह सेम टेक्स्ट चाहिए, तो उसे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। जब कोई भी चीज हम कट या कॉपी करते हैं तो उसकी कॉपी कहाँ चली जाती है? क्लिपबोर्ड के अंदर। क्लिपबोर्ड एक तरह से एक मेमोरी एरिया ही है, उसके अंदर आप जो भी कुछ कट या कॉपी करते हैं वह चला जाता है, और उसके बाद जो भी चीज आपने कट या कॉपी करी है उसको कितनी बार भी आप पेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के कई तरीके होते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट को माउस के द्वारा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस के द्वारा सेलेक्ट करना है तो ड्रैग करना पड़ता है माउस को टेक्स्ट के ऊपर, और कीबोर्ड के द्वारा करना होता है तो जो एरो कुंजी है, लेफ्ट एरो की, डाउन एरो की, अप एरो की, राइट, उनका इस्तेमाल करना होता है। तो पहला हमारा मेन रहता है टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, फिर आप उसे कहीं पर भी कट या कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। कट का क्या अर्थ है? कि जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया उसे हटा दिया जाए। हटाने के बाद आप उसे कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट कमांड तभी ऑन होता है जब आपने कट या कॉपी किया हुआ है। अगर आपने कुछ कट या कॉपी किया है तो पेस्ट कमांड ऑन हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा, अदरवाइज वो डीहाइलाइटेड रहता है। तो कट या कॉपी करने पर आप टेक्स्ट को कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं एडिटिंग करने के। कोई टेक्स्ट हमें डिलीट करना है, या यहाँ नहीं हमें कहीं और चाहिए, या यहाँ भी हमें रखना है और सेम सेंटेंस हमें नीचे भी चाहिए, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और फिर नीचे कर्सर को प्लेस करके उसे पेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो बच्चों यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम जानेंगे प्रैक्टिकली कि किस प्रकार से टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह से हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा दो तरीके हैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के, एक आप कीबोर्ड के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा माउस से। माउस से करते हैं तो ड्रैग करना पड़ता है माउस को। देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा है वन डे लीव, मान लीजिए यही टेक्स्ट मुझे नीचे लिखना है, तो दोबारा से टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगी और फिर इसको कॉपी कर लूंगी। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, माउस से सेलेक्ट करके देखते हैं। ये जैसे यहां पर हम माउस ले आए और अब हम यहां पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। ड्रैग का अर्थ क्या होता है कि माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको आप प्रेस करके रखें। कैसे किया हमने, देखिए ये अपना टेक्स्ट है, आपने माउस का लेफ्ट बटन दबाया और दबा के रखा। जब आपका टेक्स्ट पूरा सेलेक्ट हो गया, आपने लास्ट में इस लेफ्ट बटन को रिलीज किया। तो ड्रैग, ड्रैग करना मतलब माउस को इसके ऊपर आप फेर रहे हैं एक तरह से। तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया तो अब आप इसको डिलीट कर सकते हैं या कट या कॉपी करके इसे कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो माउस के द्वारा सिलेक्शन करना आ गया हमें कि माउस को हमें ड्रैग करना है टेक्स्ट के ऊपर, वो टेक्स्ट जिसे हमें सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं ये देखिए पूरा का पूरा ये मुझे नीचे लिखना है या कुछ भी काम है, तो क्या करेंगे, बस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और जहां हम चाहें वहां पर इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जो टेक्स्ट है पूरा, ये टू द प्रिंसिपल भवन विद्या स्कूल, ये ऊपर भी लिखा हुआ है। क्यों, क्यों नीचे हमने उसकी कॉपी जनरेट करी। कैसे करी वो अभी आपको बताएंगे। तो ये उपयोगिता आपको समझ आ गई कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप कट कॉपी एवं पेस्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है माउस से, कैसे करते हैं, माउस को ड्रैग करके, ठीक है। और अगर कीबोर्ड से करना है, मान लीजिए मुझे ये मैडम शब्द जो है इसे सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आप कर्सर को प्लेस कर दीजिए जहां आपको टेक्स्ट का चुनाव करना है। ये कर्सर हमारा अब यहां ब्लिंक कर रहा है, तो हम ये देखिए डाउन एरो कुंजी दबाएंगे तो टेक्स्ट हमारा कर्सर नीचे आता है, अप से ऊपर जाता है, और अगर हम इसको लेफ्ट राइट करेंगे तो ये लेफ्ट एंड राइट मूव करेगा। ये देखिए राइट एंड लेफ्ट कर्सर मूव कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड से सिलेक्शन करना है। तो आप सबसे पहले कर्सर को हमने यहां पर रखा, अब हमने दबाई शिफ्ट कुंजी। शिफ्ट कुंजी के साथ जब आप एरो की प्रेस करेंगे राइट वाली, ये देखिए टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। अब की बार हमने किससे किया है, एरो की से। आप शिफ्ट कुंजी दबा के रखिए और फिर अप एंड डाउन एरो कीज, जैसे ये लाइन हमें सेलेक्ट करनी है, शिफ्ट कुंजी दबाई और ये देखिए ये पूरी लाइन जो है सेलेक्ट हो गई। और अगर हम आगे भी कुंजी को दबाते चलें तो ये पूरा टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से अगर आपको मान लीजिए ये लाइन सेलेक्ट नहीं करनी, आपने शिफ्ट कुंजी दबाई और आपने फिर लेफ्ट एरो की को प्रेस किया, ये देखिए टेक्स्ट हट भी रहा है। मान लीजिए मुझे केवल डियर या प्लीज तक चाहिए, ये देखिए इतना हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। तो एरो कीज और शिफ्ट कुंजी को दबा के रखना है आपको और फिर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट सेलेक्ट करना हमें आ गया। चलिए अब हम जानते हैं कट कॉपी और पेस्ट कमांड को। तो ये देखिए जब आप ये यहां पर हमारे पास है एडिट मेन्यू, एडिट पर हमने क्लिक किया, यहां पर हमारे पास कमांड्स आ रहे हैं कट कॉपी एंड पेस्ट। तो कट कॉपी अभी हाईलाइटेड नहीं है, क्यों, क्योंकि जब तक आप कुछ सेलेक्ट नहीं करते तब तक आप कुछ कट या कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। हमने यहां पर टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और फिर हमने एडिट पर क्लिक किया, अब देखिए कट और कॉपी कमांड जो है वो हाईलाइटेड हो गए। तो अब हमने यहां से कहा कॉपी, कॉपी कहा और फिर मान लीजिए यहां हमें पेस्ट करना है तो हमने कर्सर को प्लेस किया और हमने चुना पेस्ट कमांड। ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो गया और इसे हम कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर भी पेस्ट करना है, जहां पेस्ट करना है पहले कर्सर को प्लेस करिए,
उस पोजीशन पर जहां आप पेस्ट करना चाहते हैं, और फिर पेस्ट कमांड दीजिए। ये देखिए टेक्स्ट पेस्ट हो गया। अब मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ ही है, मैंने एक स्पेस दी और फिर मैंने कहा एडिट पेस्ट। ये देखिए, तो एक बार कट या कॉपी आप कर लेते हैं, उसके बाद कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हम कॉपी कर रहे हैं, मान लीजिए हमें कट करना है। ये देखिए, यहाँ से हमने चुन लिया भवन विद्या स्कूल, इस चीज को हमने टेक्स्ट को चुन लिया है और अब हमने कहा कट। ये देखिए वो टेक्स्ट यहाँ से चला गया, और मान लीजिए हमें यहाँ पेस्ट करना है, कर्सर को प्लेस करेंगे और एडिट में से क्या चुनेंगे, पेस्ट। ये देखिए भवन विद्या स्कूल यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो ये है हमारे कट कॉपी एवं पेस्ट कमांड, जिसके माध्यम से आप किसी भी टेक्स्ट का चुनाव करके उसे कट कॉपी कर सकते हैं और कितनी बार भी फिर पेस्ट कर सकते हैं। कट करके पेस्ट करते हैं तो टेक्स्ट ओरिजिनल जगह से चला जाता है और जहां हम पेस्ट करते हैं वहां पर दिखाई देता है। कॉपी पेस्ट से क्या होता है कि जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है उसकी कॉपीज जनरेट हो जाती हैं, उसको कितनी बार भी हम पेस्ट कर सकते हैं, राइट? अब देखिए यहां पर हमने कुछ डिलीट कर, मतलब हमारा जो टेक्स्ट है वो कट हो गया। अब हमें लगा कि यार ये तो गलत हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, जो लास्ट एक्शन हमने परफॉर्म किया है उसे अंडू कर सकते हैं। एडिट पे जाएंगे, आपको सबसे पहले एक कमांड दिखाई देगा अंडू। अंडू क्या करता है, जो भी लास्ट एक्शन परफॉर्म किया गया है उसे अंडू कर देता है। ये देखिए, राइट, इस तरह से अभी लास्ट आपने क्या किया, पेस्ट किया, तो हमने कहा अंडू, यानी कि वो पेस्टिंग नहीं होगी। मान लीजिए यहां पर हमने लिखा हुआ है टू द प्रिंसिपल। मान लीजिए ये हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और डिलीट कुंजी दबा दी मैंने। डिलीट कुंजी दबाने से क्या होगा, टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है वो एक साथ डिलीट करने के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, तो एक साथ टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। डिलीट हो गया, अब हम अंडू करते हैं, टेक्स्ट वापस से आ गया। तो आपको लगे कि आपने अभी हाल ही में जो एक्शन किया वो गलत कर दिया, तो आप अंडू कर सकते हैं। अंडू का क्या मतलब है कि आपने लास्ट में जो एक्शन परफॉर्म किया है उसको रिवर्ट कर दिया जाए, वो हटा दिया जाए। चाहे आपने कोई टेक्स्ट लिखा हो, चाहे आपने कोई टेक्स्ट डिलीट किया हो, या आपने कोई चेंजेस करे हो, जो भी लास्ट एक्शन है उसे आप अंडू कर सकते हैं। तो एडिट मेन्यू में जब आप जाएंगे तो ये सारे कमांड्स आपको एडिट में मिलेंगे, अंडू, कट, कॉपी एंड पेस्ट, और डिलीट। अगर आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करके डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। बच्चों यहां पर आप देखिए, किसी भी कमांड के आगे एक कुंजी का यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है। जैसे फाइल मेन्यू पे गए, न्यू के आगे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एन। न्यू का क्या काम होता है, नई फाइल ओपन करना। इसके आगे लिखा है कंट्रोल प्लस एन, तो इसका अर्थ क्या है कि कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की है। हर एक कमांड के आगे उसका शॉर्टकट की लिखा रहता है। आप माउस के द्वारा सेलेक्ट करके किसी भी कमांड को चुन सकते हैं, या फिर अगर आपको उसकी शॉर्टकट की ध्यान है तो आप शॉर्टकट की के द्वारा भी ये कमांड दे सकते हैं। जैसे यहां पर क्या है, न्यू कंट्रोल एन, ओपन कंट्रोल ओ, सेव कंट्रोल एस, यानी सेव की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एस। चलिए यहाँ पे कंट्रोल और एस हमने प्रेस किया एक साथ, हमारी फाइल सेव हो गई। हमने कंट्रोल और एन दबाया, यहाँ पर नई फाइल आ गई। यहाँ पर हमने माउस से कुछ भी नहीं किया, माउस को हिलाया तक नहीं है हमने, बिना माउस के भी काम किया जा सकता है। और कई लोगों को बिना माउस के फास्टली काम करने की हैबिट होती है, कीबोर्ड के द्वारा वो सारे कमांड दे देते हैं। अगर आप शॉर्टकट की ध्यान रखें तो आप बहुत फास्टली काम कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन में। यहां पर हमने प्रेस की कंट्रोल ओ, ये देखिए ओपन डायलॉग बॉक्स आ गया, और यहां से हम फाइल को चुनकर ओपन कर सकते हैं, राइट? तो हर एक कमांड के आगे आप देखिए, एडिट में अंडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। मान लीजिए गलती से मेरे से ये टेक्स्ट डिलीट हो गया,
जैसे ही मैंने कंट्रोल जेड दबाया टेक्स्ट वापस आ गया, राइट right? इसी तरह से कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। डिलीट की शॉर्टकट की है डिलीट कुंजी। तो ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हैं, ये कमांड्स आपको समझ आता है कि कट कॉपी पेस्ट की क्या उपयोगिता है। आप कोई भी टेक्स्ट का चुनाव करके उसे कट या कॉपी कर सकते हैं और फिर कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ कुछ कमांड्स आ रहे हैं जैसे फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, तो इनको समझ लेते हैं और फिर हम जानते हैं फॉर्मेटिंग को। तो कोई भी टेक्स्ट हमें हमारी, अगर ये फाइल बहुत बड़ी है तो कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट ढूंढने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, मैन्युअली ढूंढने की जरूरत नहीं है, एडिट पे जाइए, फाइंड पे क्लिक कीजिए, फाइंड डायलॉग बॉक्स में लिखिए फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है। हमने लिखा मैडम, सर्च करके बताओ कि हमारी इस फाइल में मैडम कहाँ लिखा हुआ है। फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, ये देखिए इसने हाईलाइट करके दिखा दिया कि यहाँ लिखा हुआ है फाइंड नेक्स्ट। अब ये बताएगा कि और कहाँ कहाँ लिखा है, और अगर नहीं मिलता तो दे देगा कैन नॉट फाइंड दिस वर्ड, राइट। अगर इस शब्द को किसी दूसरे शब्द से रिप्लेस करना है, मान लीजिए हमने कई जगह मैडम लिखा है, हमें इसको सर से रिप्लेस करना है, हमने यहां से चुना रिप्लेस कमांड, फाइंड व्हाट मैडम, मैडम शब्द को ढूंढो और उसे किसे रिप्लेस कर दो, सर से। चलिए करके देखते हैं, हमने कहा फाइंड नेक्स्ट, यानी सबसे पहले सर्च करो, सर्च करने के बाद रिप्लेस करो। ये देखिए रिप्लेस ऑल बटन पे आप क्लिक करेंगे तो जहां जहां भी आपने फाइल में मैडम शब्द लिखा है वो सर से चेंज हो जाएगा। कुछ भी आपको चेंजेस कराने हो वो आप करा सकते हैं, राइट। फाइंड व्हाट, क्या सर्च करना है और उसे किससे चेंज करना है वो आप चीज यहां बताएंगे, राइट तो फाइंड एंड फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, ये कमांड्स हैं जिससे आप अपनी फाइल में कोई भी टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं और उसको किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए अब हम फटाफट से देखते हैं फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग का क्या अर्थ होता है बच्चों, कि हम टेक्स्ट का स्वरूप बदल रहे हैं। तो चलिए चेंज करके देखते हैं फॉर्मेट, इसके लिए हम चुनेंगे मेन्यू फॉर्मेट और यहां से हमें चुनना है फॉन्ट। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ गया यहां पर, यहां से हम चुन सकते हैं फॉन्ट। ये फॉन्ट बताता है कि हम कौन सी भाषा में लिख रहे हैं और इस भाषा में हम किस स्टाइल से लिख रहे हैं। इसके लिए अलग अलग भाषाओं की जो अलग अलग स्टाइल्स हैं उनके अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं। आप फॉन्ट को चुन सकते हैं और बता सकते हैं कि आप किस तरह से लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से हमने चुना, यहां पर हम एक फॉन्ट चुनते हैं, ये देखिए, और इसके बाद यहां पर आ रहा है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल मतलब आप बोल्ड यानी टेक्स्ट को डार्क करके दिखाना चाहते हैं, फॉन्ट का साइज क्या रखना चाहते हैं तो वो आप बताएंगे फॉन्ट साइज से। चलिए ओके करके देखते हैं हमारा टेक्स्ट कैसा नजर आ रहा है। ओके हमने किया, ये देखिए टेक्स्ट का साइज थोड़ा बढ़ गया और इसकी जो लुकिंग है वो थोड़ी चेंज हो गई क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग कर दी है, हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया है, उसकी जो फॉर्मेटिंग्स हैं वो हमने सेटिंग्स अलग अलग कर दी है। इसके अलावा एक ऑप्शन है ओब्लीक, ओब्लीक अर्थात आपका जो टेक्स्ट है वो तिरछा होकर आएगा, इसको इटैलिक्स भी हम बोलते हैं। तो किस तरह से आप दिखाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, आप यहाँ देखिए सैंपल में दिख भी रहा है कि आपका टेक्स्ट किस प्रकार से दिखाई देगा। ओके करेंगे तो जो भी सेटिंग्स आपने चुनी है वो अप्लाई हो जाएंगी। देखिए इस तरह से अब हमारा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो जो भी फॉर्मेटिंग्स आपको अप्लाई करनी है वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। किस भाषा में लिख रहे हैं इसके लिए अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं, वो फॉन्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास फॉन्ट नहीं है तब आप उस फॉन्ट को अपने कंप्यूटर में डाल भी सकते हैं, राइट। फॉन्ट क्या है, एक सिंपली किस तरह से लिखना है उसकी एक फाइल है। ये फाइल अगर आपके कंप्यूटर में होगी तो आप उस भाषा में उस स्टाइल से लिख पाएंगे। फॉन्ट स्टाइल कि आप किस तरह से अपने टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं, फॉन्ट का साइज यानी टेक्स्ट का साइज क्या रखना चाहते हैं, ये फॉर्मेटिंग्स आप कर सकते हैं टेक्स्ट एडिटर में।
तो बच्चों एक नॉर्मल सी फाइल बनानी हो, कोई लेटर लिखना हो, कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, तो वो अब आप लोग बना सकते हैं, उसे अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। इतना तो आप लोगों ने सीख लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर चीज पर अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे, राइट? तो टेक्स्ट एडिटर में हमने फाइल बनाना, फाइल को सेव करना, कोई नई फाइल ओपन करना, कोई पहले से बनी हुई फाइल को अगर ओपन करना है, या टेक्स्ट में कैसे हम एडिटिंग करते हैं, कट कॉपी पेस्ट की मदद से, ये जो कमांड्स हैं इनके द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कट या कॉपी कर पेस्ट कर सकते हैं। एक टेक्स्ट कहीं लिखा हुआ है वो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको चाहिए वो टेक्स्ट दोबारा से तो आप इसे सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कोई बड़ी फाइल है, आपको कोई टेक्स्ट नहीं मिल रहा, आप फाइंड कर सकते हैं और इस टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना चाहें, या मान लीजिए आप चाहते हैं पूरी फाइल में जहां कहीं पर भी इस तरह का कुछ लिखा हुआ है उसको किसी और चीज से रिप्लेस कर दिया जाए, तो वह चीज की जा सकती है। और फॉर्मेटिंग्स आपने देखा कि अलग अलग स्टाइल्स में आप लिख सकते हैं, फॉर्मेटिंग की जो सेटिंग्स हैं उनको बदल के। तो बच्चों इन सब चीजों की प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आप इन सब चीजों पे पकड़ बना पाएंगे। फिर आगे हम एडवांस और दूसरे सॉफ्टवेयर जब करेंगे तो आपको इस चीज पर पकड़ होगी, तो उसमें थोड़ा आपको आसानी होगी जानने में, सीखने में। चलिए आज की कक्षा में बस इतना ही, नमस्ते।